अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई ये देख के समझ तो गए होगे। तो जी आपने सही समझा, आज मैं जा रहा हूँ यार इंटरनेशनल ट्रिप करने, और हम पहुँच चुके हैं इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। और ये मेरा सेकंड इंटरनेशनल ट्रिप है, पहले मैं सऊदीया गया था और अभी मैं जा रहा हूँ उधर। पहुँच के बताऊँगा, अभी नहीं बताना। और साथ मलिक आया मुझे छोड़ने, तो अभी बस बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली है, तो फिर बोर्डिंग करवाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। काफ़ी जलालत के बाद जो है ना हमारा बोर्डिंग पास जो है वो हमें मिल चुका है। ये हमारा बोर्डिंग पास है, और यार इमिग्रेशन यहाँ की बहुत ज़्यादा टाइट रखी हुई है इन्होंने। मैं अभी बोर्डिंग पास ले रहा था तो एक इमिग्रेशन ऑफिसर आया, मुझे बोलता कि इधर मेरे साथ आओ। उसके साथ मैं रूम में चला गया, तो उसने बोला कहाँ जा रहे हो। मैंने बताया उसको, सब डॉक्यूमेंट दिखाए, फिर भी कह रहा है कि करेंसी कितनी है। तो फिर मैंने उसको बताया कि मेरे पास डॉलर्स हैं और मेरा जो है ना वो क्रेडिट कार्ड है। तो उसको सेटिस्फाई करने के बाद जो अब जो है ना फाइनली वेटिंग एरिया में बैठ चुके हैं। ये वेटिंग एरिया, और सामने जो है ना हमारा प्लेन खड़ा हुआ है। मेरी थाई एयरवेज़ है और थाई एयरवेज़ में मैं फ़्लाई कर रहा हूँ। तो अभी कुछ ही देर में जो है ना वो कॉल हो जाएगी, तो फिर प्लेन में चलेंगे, तो फिर मिलते हैं आपको वहाँ पर। फाइनली भाई लैंडेड हो चुके हैं बैंकॉक थाईलैंड में, और 4 घंटे 50 मिनट की फ़्लाइट थी। बैठ बैठ के यार थक गए हैं फुल ज़्यादा, और अभी जा रहे हैं चेक इन करवाने इमिग्रेशन पे और अपना बैगेज क्लेम करना है अभी मैंने। तो अभी मुझे पता नहीं है ना कोई गाइड करने वाला इधर, तो देखते हैं कहाँ जाता हूँ फिर बताता हूँ आपको। ओ भाई 20 मिनट हो गए हैं मुझे चलते हुए, और अभी तक जो है ना इनका एयरपोर्ट नहीं ख़त्म हो रहा यार, इतना बड़ा एयरपोर्ट। तो भाई इमिग्रेशन क्लियर हो गई है, और अब बैगेज क्लेम करने आ गया हूँ। और आते ही भाई जान सबसे आगे आपके भाई का बैग पड़ा हुआ है, ये पकड़ लिया भाई अपना बैग। और यार मैं क्या बताऊं कि इतना बड़ा एयरपोर्ट मैंने आज तक कभी ज़िंदगी में देखा, और यार इतने लेवल का इन्होंने बनाया हुआ है ना, क्या बात है। तो अभी जो है ना अपना इमिग्रेशन करवा लिया, स्टैम्प वगैरह लग गई है, और बैगेज भी क्लेम कर लिया है, अभी चलते हैं बाहर एग्ज़िट पे। तो फाइनली यार इमिग्रेशन भी हो गई है और हमारा बैगेज भी जो है वो हमें मिल चुका है। उसके बाद यार मेरे पास डॉलर से तो मुझे चाहिए थी इनकी करेंसी, और वो करेंसी भी एक्सचेंज करवा ली है। इनकी करेंसी है ये वाली थाई बात, और ये मैंने एक्सचेंज करवा ली हैं। और यार इनकी इमिग्रेशन इतनी कुछ स्मूथ थी मैं तुम्हें क्या बताऊं। ऐसे मैं गया हूँ, उसको मैंने पासपोर्ट दिया, उसने स्टैम्प मारी, उसने बोला वेलकम टू थाईलैंड। और लाहौर में आगे जो मेरे साथ हुआ वो मैंने आपको बताया, वो मुझे रूम में ले गया और बोल रहा कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे, क्यों जा रहे। तो बस अभी मैं इधर वेटिंग लाउंज में बैठा हूँ, ठीक है। और ई सिम जो है, ई सिम मैंने ले ली है यहाँ की 50 GB, और अभी इंतज़ार कर रहा हूँ मैं अपनी बस का जो कि आएगी 8:45 पे। तो जैसे ही बस आती है, और मैंने जाना है बैंकॉक नहीं जाना, मैंने डायरेक्ट जाना है पताया। तो पताया के लिए जो है ना वो बस का इंतज़ार कर रहा हूँ, जैसे आती है तो फिर उस पर चलते हैं। तो भाई एयरपोर्ट से बाहर आ चुके हैं, और ये कोई इधर ना चाइनीज़ का ग्रुप आया हुआ है चीपू पाँ का, और ये एयरपोर्ट है बाहर से। यार क्या जॉइंट स्ट्रक्चर है, इतना बड़ा एयरपोर्ट है कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। तो अभी इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बस का, और टिकट जो है वो मैंने ले ली है, और अभी बस आने वाली है, तो उसमें बैठ कर फिर हम सीधा जा रहे हैं पताया सिटी। तो वहाँ पे फिर होटल में जाना है, अभी बहुत ख्वारी होनी है, तो मिलते हैं वहाँ आपको बस में बैठ के। तो इधर भाई अपना जो है ना लगेज दे दिया है, और अभी चलते हैं बस में। और ये हमारी बस है, ये मेरा सीट नंबर इस पर लिखा हुआ है, चलते हैं बस के अंदर पर।
बस जो है ना वो चल पड़ी है पताया सिटी के लिए, और ये कुछ बाहर के नज़ारे हैं। अभी ना मैं आके बैठा तो मेरी सीट पे ना एक घोड़ा बैठा हुआ था, तो मैंने उसको कहा कि ये सीट मेरी है, तो उसने ना बड़े प्यार से बोला, उसने कहा नो प्रॉब्लम यू आर माई लाइक माई केड सो हैव योर सीट। तो यार बड़ी रिस्पेक्ट से उठ के ना वो अपनी सीट पे चला गया। पर यही काम होता ना अगर हमारे कंट्री में तो चल पाया कोई सीट नहीं है, तो बस अभी बस चल पड़ी है, तो अभी देखते हैं कितना टाइम लगाती है, 1 आवर और मे बी 1.5, तो देखते हैं पहुंचते हैं फिर आपको बताते हैं। भाई मुझे निकले हुए एयरपोर्ट से लगा लो कि 2.5 घंटे हो गए और मैं अभी तक नहीं पहुंचा हूं। अभी भी टैक्सी वाले ने मुझे इधर उतारा है, तो मैं चल के जा रहा हूं होटल की तरफ। अभी भी कह रहा है कि 5 मिनट जो है ना वो दूर है होटल। बड़ी जलालत हो गई है यार आज तो। बस अभी होटल पहुँच तो फिर मुझे बहुत नींद आई है, फिर मैंने सो जाना। तो भाई काफ़ी ज़्यादा खज्जल खुआर होने के बाद मैं रूम में पहुँच गया हूँ। ये मेरा रूम है और आपका चलते चलते रूम का टूर ही करवा देता हूँ। तो भाई एंटर होते ही एक मिरर है, ठीक है, और ये वार्डरोब है, और यहाँ पे ओवन, केटल, फ्रिज, और इधर है भाई हमारा वॉशरूम, ये हमारा मिरर, और एंटर होते ही भाई ये हमारा क्वीन साइज बेड, ओके, और यहाँ पे हमारा टीवी, और द बेस्ट थिंग इज़ दैट यहाँ से भाई हमें मिलेगा रात को व्यू। ये नीचे जो है ये खावसान रोड है, और इधर को भी वॉकिंग स्ट्रीट यहाँ से 1-2 मिनट की वॉक पे है, तो बाकी रात को जो है ना वो एंजॉय करेंगे। अभी आपका भाई बहुत ज़्यादा थक गया हुआ है, तो मैंने सोचा यार रेस्ट क्या करनी है, 7-Eleven पर चलते हैं, वहाँ से कुछ चीज़ें ले आता हूँ खाने पीने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हलाल फूड मिलना जो है ना बहुत ही मुश्किल है। तो अभी बाहर आ चुका हूँ, अभी इधर से 7-Eleven देखते हैं कहीं से, तो फिर वहाँ से कुछ लेते हैं खाने के लिए। तो यार अभी 7-Eleven से मैंने चीज़ें ले ली हैं, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिया क्योंकि ज़्यादा यहाँ पर ना हलाल नहीं है, और मैंने लिया कोल्ड ड्रिंक और पानी और बिस्किट और केक लिया, और अभी चलते हैं सीधा दोबारा होटल में। ये अपना होटल है रेड्स, तो अभी रूम में चलते हैं यार, रेस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ मैं। फाइनली यार रूम में आ गए हैं, और अभी करते हैं रेस्ट। अरे रुको भाई, एक चीज़ तो दिखानी याद ही नहीं रही जो सबसे इम्पोर्टेंट है यार। मैं कहता हूँ इन्होंने रखा ऐसे ही होता है, ठीक है कि लोग अट्रैक्ट हों और फिर उनको यूज़ करें और फिर पैसे पड़ें, लेकिन मैं ऐसा हूँ ही नहीं, मैं यूज़ करूँगा ही नहीं, मैं बाहर से सामान ले आया हूँ। लेकिन आपको दिखाता हूँ, ये ओवन पड़ा हुआ है यहाँ पे, ये है भाई मिनी बार। अब चेक करना इसमें क्या क्या है। भाईजान फुल ऑन बियर, ठीक है, कैन, हर चीज़ यहाँ पे पड़ी हुई है, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, लेकिन पैसों की, इसलिए हम नहीं लेंगे। तो हम अब करते हैं रेस्ट। तो यार इस वीडियो को मैं करने लगा हूँ यहाँ पे एंड। मुझे पता है कि ये सारा व्लॉग जो है ना ये ट्रैवल में गुजरा है, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, मुझे पता है आपको ये भी पसंद आया है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट व्लॉग जो वो बहुत अच्छे आने वाले हैं, मज़े के आने वाले हैं, इंजॉय करेंगे। तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, ठीक है, और इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो सब दोस्तों के साथ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।